गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में हम आपको बिहार के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या, ये जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। 6 साल बाद भूकंप से हिली बिहार की धरती, 3.5 की तीव्रता के साथ पटना बना केंद्र। बिहार में 6 साल बाद सोमवार की रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। रेक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.5 बताई जा रही है। हालांकि दशकों बाद भूकंप का केंद्र पटना में होने से इसकी तीव्रता ज्यादा महसूस की गई। पटना सहित बिहार के कई जिलों में रात 9:23 पर 6 से 7 सेकंड तक झटका महसूस किया गया। पटना जिले में जमीन से 5 किलोमीटर नीचे इसका केंद्र रहा। भूकंप की वजह से घरों में पंखे डोलने लगे और लोग दहशत से घरों और अपार्टमेंटों के बाहर आ गए। सड़कों पर वाहन चला रहे लोगों को भी भूकंप का एहसास हुआ और बेली रोड पर जगह जगह वाहन खड़ा कर लोग अपनों को हालचाल लेते देखे गए। बिहार में कोरोना जांच फर्जीवाड़ा और चुनावी खर्च स्कैम के बाद क्वारंटाइन सेंटर में घपला जांच शुरू। बिहार में एक और जहां कोरोना जांच फर्जीवाड़ा और चुनावी खर्च स्कैम की जांच हो रही है, वहीं एक और घोटाले की आशंका जताई जा रही है। दरअसल लॉकडाउन के समय दानापुर में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर पर हुए खर्च में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है। डीएम के निर्देश पर जांच शुरू की गई है। दानापुर SDO ने 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की है। दरअसल कोरोना काल में देश के विभिन्न हिस्सों में प्रवासी मजदूर बिहार आ रहे थे। इन्हें दानापुर रेलवे स्टेशन तक ट्रेन से लाया जा रहा था। यहीं पर उनके ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। दानापुर के तत्कालीन CO को आपदा राहत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया गया था। सेंट्रल स्कूल के अलावा 2 और जगहों पर क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए। सेंटर पर तोशक तकिया, टेंट और बैरिकेटिंग की गई थी। इसके अलावा दानापुर रेलवे स्टेशन भी बैरिकेटिंग की गई। रसोई गैस और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी से बिहार में उबला विपक्ष, कहा NDA सरकार की गलत नीतियों का परिणाम। बिहार में शतक की ओर बढ़ रहे पेट्रोल की कीमत और रसोई गैस की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी करने से पूरा विपक्ष उबल पड़ा है। बिहार में विपक्षी दलों के नेताओं ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमत को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और बिहार के नीतीश सरकार को घेरा। नेताओं ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि को जन विरोधी बताते हुए इसे NDA सरकार की गलत नीतियों का परिणाम बताया। बिहार में सभी टोल प्लाजा पर कैश के लिए अब भी काउंटर नहीं, अब कैश दिया तो जुर्माना डबल। बिहार के सभी टोल प्लाजा पर सोमवार यानी 15 फरवरी की रात 12 बजे के बाद तमाम नकदी बंद कर दिया गया। जिन गाड़ियों में फास्टैग नहीं लगे होंगे उन्हें दुगना टोल देकर सफर करना होगा। देशव्यापी नियम के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने यह व्यवस्था लागू कर दी है। गौरतलब है कि बिहार में नेशनल हाईवे के 25 स्थानों पर टोल टैक्स की वसूली होती है। बिहार और झारखंड के पूर्व राज्यपाल M. राम जोईस का लंबी बीमारी के चलते निधन। बिहार और झारखंड के पूर्व राज्यपाल M. राम जोईस का लंबी बीमारी के बाद मंगलवार को निधन हो गया। पारिवारिक सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। 88 वर्ष के पूर्व राज्यसभा सांसद और न्यायविद जोईस का निधन आयु संबंधी बीमारियों से हुआ। उन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी काम किया था। 27 जुलाई 1932 को शिवमोगा में जन्मे मदागदे राम जोईस ने BA और लॉ की डिग्री हासिल की। उन्होंने शिवमोगा और बेंगलुरु में पढ़ाई पूरी की। मैट्रिक की परीक्षा में जूता पहनकर आने की छूट, परीक्षार्थियों को राहत। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक के परीक्षार्थियों को जूता पहनकर आने की छूट दी है। बोर्ड की ओर से ठंड को देखते हुए छात्र छात्राओं को परेशानी नहीं हो इसको देखते हुए छूट दी गई है। परीक्षा की तैयारी को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई है। DEO अब्दुस सलाम अंसारी ने बताया कि कुछ केंद्रों पर बेंच डेस्क की कमी की शिकायत की गई थी जिसे पूरा कर दिया गया है। बताया गया कि परीक्षा में प्रत्येक विषय 25 छात्र छात्राओं की जांच करेंगे, साथ ही परीक्षा से पूर्व शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे कि उन्होंने जांच के बाद ही परीक्षार्थियों को प्रवेश कराया है। वहीं पदाधिकारियों के औचक निरीक्षण के क्रम में यदि कदाचार का मामला सामने आता है तो वीक्षक पर भी कार्यवाही की जाएगी।
पटना में मंत्री अशोक चौधरी से मिले कन्हैया कुमार, बेगूसराय में सीपीआई ने दी सफाई। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने रविवार को बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से मुलाकात की थी, तो वहीं दूसरी ओर सीपीआई के विधायक सूर्यकांत पासवान ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। इसके बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। इन चर्चाओं के बीच बेगूसराय में सीपीआई के जिला मंत्री अवधेश राय ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कन्हैया ने मुलाकात की थी। जिला मंत्री सह पूर्व विधायक अवधेश राय ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अशोक बाबू मंत्री हैं, ऐसे में कोई भी जनप्रतिनिधि या राजनीतिक दल के नेता क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मुलाकात करता है, यह स्वाभाविक है। इसमें राजनीतिक अर्थ निकालने की कन्हैया जेडीयू में शामिल हो जाएंगे, ये भ्रमक है। कन्हैया कुमार मंत्री अशोक चौधरी से मिले हैं, वो मंत्री हैं, कन्हैया नेता हैं, क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुलाकात हुई है। कन्हैया कुमार वामपंथी विचारधारा का है और वो किसी भी पूंजीवादी दल में शामिल नहीं होगा, जेडीयू में शामिल होने का सवाल नहीं है। हाँ, अगर नीतीश कुमार भाजपा को छोड़कर महागठबंधन में आते हैं तो उनका स्वागत है। चिराग पासवान की चिंता बढ़ी, एलजेपी में होगी बड़ी टूट, 18 को 100 से अधिक नेता व कार्यकर्ता जेडीयू में होंगे शामिल। लोजपा के पूर्व नेता केशव सिंह समेत तमाम बागी नेता जेडीयू में शामिल होंगे। 18 फरवरी को जेडीयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में ये सभी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। दीनानाथ क्रांति की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया। केशव सिंह ने बताया कि मिलन समारोह में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत कई आला नेता भी उपस्थित रहेंगे। 100 से अधिक संख्या में नेता कार्यकर्ता जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। 21 से 27 मार्च तक बिहार में क्रिकेट का महाकुंभ दिखेंगे सनत जयसूर्या और आरपी सिंह जैसे स्टार। बिहार में क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। बीसीसीआई से संबद्ध बिहार क्रिकेट एसोसिएशन जल्द ही बिहार क्रिकेट लीग का आयोजन करेगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी ने कहा कि बिहार के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उनको एक बड़ा मंच प्रदान करने के लिए इस लीग का आयोजन किया जा रहा है। यह बिहार में अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है। उन्होंने बताया कि बिहार क्रिकेट लीग को बीसीसीआई के रूल और रेगुलेशन के तहत कराया जाएगा। इसका अधिकार बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा गठित गवर्निंग काउंसिलिंग के सदस्यों को ही है। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।